हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीटी बॉडी बिल्डिंग। तो आज मैं किसी एक्सरसाइज के बारे में नहीं, आज मैं बताने जा रहा हूँ क्रिएटिन के बारे में कि सप्लीमेंट आपको कौन सा लेना चाहिए, क्रिएटिन, वे प्रोटीन या फिर मास गेनर। तो सबसे अच्छा और सबसे किफायती और सबसे आसान जो है, मतलब आसान बोले तो अपना कम पैसे में आने वाला है और सबसे इफेक्टिव है, वो है क्रिएटिन। क्रिएटिन के अलग अलग बाजार में अलग अलग दाम के आते हैं और क्रिएटिन जो है, जितने आपके पास सप्लीमेंट होगा सबसे सस्ता सप्लीमेंट आपको क्रिएटिन मिलेगा और सबसे अच्छा रिजल्ट भी आपको क्रिएटिन ही देने वाला है। वो क्यों? क्योंकि देखो, जो क्रिएटिन जो है आपकी बॉडी में ऑलरेडी बनता रहता है, ठीक है, लेकिन क्या वो थोड़ी कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है। और जैसे कि हम उसको बाहर से लेंगे, आपको ही पता है बॉडी में से टेस्टोस्टेरोन हो गया वो कम बनता है, लेकिन बाहर से लोग जो क्या है स्टेरॉइड के रूप में लेते हैं तब उनकी बॉडी अच्छी दिखती है। वैसे क्रिएटिन जो है हमारी बॉडी में ऑलरेडी बनता है लेकिन बहुत कम मात्रा में, तो इससे क्या, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई स्टेरॉइड वगैरह नहीं है जो आप लो या ना लो। अगर आप इसको लोगे तो आपकी जो मसल्स है पहले से अच्छी दिखेगी और फुलर दिखेगी। जैसे कि मान लो अगर आपके भाई से कुछ ऐसे दिखते हैं, तो अगर क्रिएटिन लेने के बाद कम से कम आपको इसको रिजल्ट मिलेगा 3 से 4 हफ्ते के अंदर, तो आपकी कुछ इस तरीके से, इससे कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी ट्रांसफर होते हुए, खुद को आपको महसूस होगा नहीं कुछ लग रहा है मेरे को। और जहाँ तक मैं यूज़ करता हूँ, ये है वेलक्रो का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, ये जो है अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है। और ये तो मैं पर्सनल यूज में आपको बता रहा हूँ, तो आप किसी और से भी आप ले सकते हो, किसी और कंपनी का भी आप ले सकते हो, लेकिन मेरे को तो वेलक्रो का अच्छा लगता है, इसके मैं वजह से वेलक्रो का लेता हूँ। तो क्रिएटिन की बात करें, इसका जो प्राइसिंग है 1200 के आसपास आपको ये मिल जाने वाला है। और इसमें क्या है, 83 सर्विंग रहती है, मतलब 83 दिन तक आप चला सकते हो, और एक सर्विंग रहती है 3 ग्राम की, और 3 ग्राम आपके लिए काफ़ी है। जो बिगिनर है या जो अभी अभी जिम शुरू किया, 3 ग्राम आपके लिए बहुत ही किफ़ायती और अच्छा है, ताकि आपकी जो बॉडी अच्छे से फुलर दिखेगी, ठीक है। तो इसको लेना कब, प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट? सबसे पहली बात, व्हाट इज़ प्री वर्कआउट? प्री वर्कआउट क्या होता है, जैसे कि हम कोई वर्कआउट कर रहे हैं उससे 1-2 घंटे पहले अगर हम लेते हैं तो उसे हम प्री वर्कआउट कहते हैं। और पोस्ट वर्कआउट किसे कहते हैं, अगर जब जिम करने के बाद, वर्कआउट करने के बाद जब हम किसी फूड इंटेक करते हैं उसे हम पोस्ट वर्कआउट कहते हैं। तो इसमें कोई साइंटिफिकली दिया नहीं गया कि आप प्री वर्कआउट में लो या पोस्ट वर्कआउट में लो, आप आपके हिसाब से आप ले सकते हो। और स्टडी में ऐसा ही पाया गया है, जो प्री वर्कआउट में लेते हैं और जो पोस्ट वर्कआउट में लेते हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम रिजल्ट आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये जो है आपकी पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद इसका काम आएगा। तो आप इसको, तो अगर आप इसको पहले लो या बाद में लो, इससे कोई डिफरेंस आपको पड़ेगा नहीं। तो क्रिएटिन का जो बहुत अच्छे, मतलब कैसे आप ले सकते हो, सबसे पहला आप पानी ले लो, पानी के अंदर आप क्रिएटिन डाल के ले सकते हो, वरना फिर क्रिएटिन ले लो आप एक ढक्कन में सीधे मुंह में डालो, फिर पानी डाल के गरारा करके, गरारा बोलते हैं ना उसको, हाँ गरारा करके आप उसको ले सकते हो। तो ऐसे भी आप क्रिएटिन ले सकते हो, और बहुत से तरीके हैं। सबसे सिंपल तरीका है दूध में ले लो, पानी में ले लो, और जूस में भी ले सकते हो। स्टडी कहती है आप इसको जूस में लोगे तो सबसे अच्छा आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो बस क्रिएटिन के लिए बस इतना ही अभी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।